Good morning, my dear student of class 6, English में कल chapter 1 the cranky macaw के बारे में पढ़ाए थे कुछ, तो कहानी को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। एक बूढ़ा नाविक रहता है जिसका नाम है जॉनी जय, और उसके पास एक छोटी चिड़िया होती है जिसको वह तोते के समान है। वह उसके साथ रहता है। इस चैप्टर में उसी को क्रेजी कूट के नाम से जाना जाता है, उसी पैरोट को। और वह उस नाविक का एक अच्छा दोस्त होता है, लेकिन यह जो क्रेजी कूट है यह अद्भुत है, यह तुनक मिजाजी है। वह जब गुस्साता है, तंग होता है, तो वह मानव की तरह जोर जोर से चिल्लाता है। वह जॉनी जय के साथ फिल्म देखना भी पसंद करता है, और गन का आवाज़ भी निकलता है, बंदूक का आवाज़ का भी वह नकल करता है। यहाँ तक कल आपको हम पढ़ाए थे, उसके आगे आज पढ़ते हैं। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग फ्रॉम सम मूवी। वह मूवी का यानी चलचित्र का वह कुछ डायलॉग भी बोल सकता है। ही लव टू विस्टर, वह सिटी बचाना पसंद करता था। ऑन, वह चिड़िया के लिए है। वेन एवर ही सॉ ए गर्ल आवर ए वूमन ही वुड विस्टर लाउडली एंड प्रिटेंड टू फैन। जब कभी भी वह किसी लड़की को देखता था, किसी औरत को देखता था, तो वह जोर से सीटी बजाता था और मूर्छित होने का बहाना करता था। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड थ्रू आउट जेनी जय हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड, वह क्या करता था, वो अपने पसंदीदा भोजन यानी सूर्यमुखी के बीज को भी इधर उधर फेंक दिया करता था। किसके घर में, तो जॉनी जय के घर में इधर उधर वह सूर्यमुखी के बीज को बिखेर देता था, फेंक देता था चारों तरफ। एंड लव टू हाइड बिहाइंड द थिंग, और वस्तुओं के पीछे छुपना भी उसे पसंद था। जॉनी जय एंड क्रेजी कुड वेयर ए वेल मैच पेयर स्टॉबर्ग एंड सोलिटरी। जॉनी जय और क्रेची कूट, यानी वह क्रेची कूट उस पक्षी के लिए आया है, तो जॉनी जय और वह पक्षी एक अद्भुत वेल मैच पेयर अद्भुत जोड़ा था, और वह अड़ियल था और एकांतवास का वह अद्भुत जोड़ा था। सोलिटरी मतलब होता है एकांतवास, एस्टर मतलब होता है अड़ियल, यानी कहने का अर्थ है कि एकांतवास में यह अड़ियल अद्भुत जोड़ा था। जॉनी जय ओल्डर सिस्टर मिस ए मे वाज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाउ। जॉनी जय की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था मिसी मे, वह मकाउ को पसंद नहीं करती थी। शी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जय एंड क्रेची कूड वेयर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आईलैंड ऑफ ग्वेना। शी वुड विजिट देम, वह उनके यहाँ आया करती थी जब जॉनी जय और क्रेची कूड वह आईलैंड ग्वेना के द्वीप में जो उनका घर था वहाँ वह आया करती थी और वहाँ रुकती थी। वेन एवर मिसी मे वाज अराउंड क्रेची कूड ही वुड स्क्रीच एट हर। जब कभी भी मिसी मे उसके अगल बगल रहती थी, क्रेची कूड के अगल बगल, तो वह उस पर ताना दिया करता था। ताना माने व्यंग कसता था, व्यंग स्वरूप वह कुछ बोलता था। देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस साइरन एंड गन शॉट एंड लाफ एलाउड।
तो वह क्या करता था, जोर से वह पुलिस के सायरन का आवाज निकालता था और बंदूक का आवाज निकालता था और जोर जोर से हंसता था। मेसी में एज यू कैन इमेजिन वाई नॉट वेरी हैप्पी विद क्रेचिको। मेसी में जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसी से वह बहुत ज्यादा खुश नहीं रहती थी मकाओ से। वन आफ्टरनून मेसी में केम टू विजिट जॉनी जे। एक दिन दोपहर मेसी में जॉनी जे के यहाँ आई। When she did not find her brother in the house, जब वह अपने भाई को वहाँ नहीं पाई, she decided to sleep in the parlor for some time. तो वह निर्णय की कि कुछ समय के लिए पार्लर में यानी अतिथि गृह में सो जाए। She ignored Krechikut. वह Krechikut का अनदेखा की। When he did not get the attention that he wanted, Krechikut started muttering and then hide behind some books. When he did not get the attention that he wanted, जब वह नहीं ध्यान दी जो वह चाहता था, Krechikut चाहता था कि हमारे तरफ ध्यान दे, लेकिन मेसी में उसके तरफ नहीं ध्यान दी। Krechikut started muttering, Krechikut अब भनभनाना शुरू कर दिया, फुसफुसाना शुरू कर दिया। Then he hide behind some, और तब वह कुछ पुस्तकों के पीछे छुप गया और भनभनाना शुरू कर दिया। Then a thief climbed in from the window of the parlor, तब एक चोर खिड़की के रास्ते से पार्लर में यानी अतिथि गृह के खिड़की के रास्ते से एक चोर कूद गया। He started putting things in his bag quietly because he did not want to wake up Mesi Mae। और वह शुरू किया अपने थैले में शांतिपूर्ण ढंग से अपने थैले में वस्तुओं को रखना शुरू किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हम मेसी में को जगाएं। बट द थीप डी नोट नो अबाउट Krechikut, लेकिन यह जो चोर था वह Krechikut के बारे में नहीं जानता था। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक, वह Krechikut जो पुस्तकों के पीछे छुपा हुआ था उसके बारे में चोर नहीं जानता था। आउट ऑफ नाउवेयर समवन shouted, you thief, you kill me, leave me alone, I call police, you go to jail। तभी उसको एक आवाज सुनाई पड़ी चिल्लाते हुए कि यू थीप तुम चोर हो, यू किल मी तुम मुझे मार दोगे, लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ दो, I call police मैं पुलिस को बुलाऊंगा, यू गो टू जेल और तुम जेल जाओ। इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड ऑफ पुलिस साइरन एंड गन शॉट, और यह पुलिस साइरन और बंदूक की आवाज के बीच यह सब ये सब बातें Krechikut ने कहा। सडनली टेरिफाइड, अचानक वह चंबित हो गया, बहुत ज्यादा डर गया। कौन चोर? द थीप स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू अ स्टोन, वह जब ही उठा तभी वह एक स्टोन से टकरा गया। द थीप जंप टू इज कैप एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर। चोर बचने के लिए कूदा, लेकिन ठीक उसी समय जो मेसी में उसकी बहन थी नावी की, वह क्या की कि कुर्सी से जोर से उस पर प्रहार कर दी। सरप्राइज द थीप ट्रिप्ड
और अद्भुत ढंग से वह चोर लड़खड़ा गया, ट्रिप लड़खड़ा जाना नहीं लड़खड़ा करके गिर गया एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, और उसका सर टेबल पर टकरा गया, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। मिसी में देन कॉल द पुलिस, तब मिसी में पुलिस को बुलाई, हु अरेस्टेड द थीफ, और जो चोर को गिरफ्तार किए, फीलिंग इसेस्टेक्टिक एट बीइंग सेव्ड, फीलिंग इसेस्टेक्टिक यानी वो बच जाने पर उनको खुशी का अनुभव हो रहा था, किनको, उनके बहन को, मिसी में को। मिसी में वेंट टू क्रेजी कूट टू पेट ही, मिसी में क्रेजी कूट के पास गई और उसको सहलाई, प्यार से थपथपाई। बट व्हाट यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कूट डू, लेकिन व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचती हो कि मैं हमेशा ऑलरेडी पहले से ही तुमको चिढ़ाते आ रहा हूँ, क्रेजी कूट ने कहा। क्रेजी कूट सेड यू थीप यू किल मी लीव मी अलोन आई कॉल पुलिस यू गो टू जेल, फिर उसी बात को कृषि को दोहराता है कि तुम चोर हो, तुम मुझे मार दोगे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम जेल जाओगे, और यह बात कहकर आ आ आ जोर से हंसता है। द पुलिस फ्रोज वेन द हार्ट क्रेची कूड, जब पुलिस क्रेची कूड की आवाज़ सुनती है तो वह फ्रोज, फ्रीज मैंने जमना, मैंने अचंभित हो जाता है पुलिस, एंड देन ब्रस्ट आउट लाफिंग, और जोर जोर से हंसता है। दे अंडरस्टूड, वह समझ जाता है कि हाउ मिसी में वाज एबल टू स्केप अनहर्ट, कैसे मिसी में चोटिल होने से बचने में सक्षम हुई थी। आज इतना ही।